दोस्तों, क्या आपका BSNL का सिम है पर आपको नेट नहीं चल रहा है, खाली इनकमिंग का बात कर रहे हैं पर आपको नेट का उपयोग आपको नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे आपको नेट का उपयोग कर सकते हैं। आपको नेट डेली बर्बाद नहीं जाएगा, आप यहाँ इस नेट को आपको यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपली आपको VPN सेटिंग बताऊँगा, आप जो भी VPN यहाँ पर सेटिंग करेंगे वो आपका 100% यहाँ पर नेट चलने में आपको सहायता मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट में बने रहना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। मैं यहाँ पर सेटिंग में चले जाता हूँ। सेटिंग में जाने के बाद नीचे एक ऑप्शन मिलेगा, आपको जो भी सिम में आपको सेट होगा उसी सिम में आपको चले जाना है जिस पर आपको BSNL का नेट होगा। मैं यहाँ पर इस सिम 2 में आ जाता हूँ। आने के बाद यहाँ पर परफॉर्मेंस नेटवर्क टाइप करके यहाँ पर 4G में आपको सेलेक्ट कर लेना है। 4G में सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा एक्सेस पॉइंट नेम APNs का, आपको सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक आपको 3 यहाँ पर बाय डिफॉल्ट यहाँ पर रहेगा, तो आपको तीनों को यहाँ पर रिसेट कर देना है। मैं सभी को यहाँ पर रिसेट करके आपको दिखा देता हूँ। पहला यहाँ रिसेट हो चुका है, दूसरा को मैं यहाँ पर रिसेट करता हूँ। रिसेट करने के बाद तीसरा को भी यहाँ पर डिस्क्राइब करता हूँ, यहाँ पर 3 डॉट पर जाकर उसको डिस्क्राइब कर लेता हूँ। करने के बाद ऊपर एक प्लस का आइकन दिख रहा होगा, आपको सिंपली प्लस के आइकन पर चले जाना है। पहला आपको नेम पे टाइप कर देना है BSNL 4G। तो मैं यहाँ पर BSNL 4G यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ। यहाँ पर ध्यान रखना आपको कैपिटल में आपको BSNL 4G आपको टाइप कर देना है। करने के बाद नीचे एक ऑप्शन मिलेगा, APN को आपको लास्ट में टाइप कर देना। पहले यहाँ पर आपको यूजर नेम पर आपको टाइप कर देना है, ठीक है। यूजर नेम पर यहाँ पर क्लिक करके दिखा देता हूँ, आपको टाइप करना है यूजर नेम पर स्पीड बोट BSNL 4G, आपको यही टाइप कर देना है, ठीक है। टाइप करने के बाद यहाँ पर ओके आपको कर देना है। पर टाइप कर लेता हूँ BSNL bot BSNL 4G, यहाँ पर टाइप करने के बाद ओके कर देना। ओके करने के बाद नीचे एक ऑप्शन मिलेगा APN का, आपको APN पर जाके यहाँ पर टाइप कर देना है BSNL net। दो चीज़ आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, BSNL net या डिफ़ॉल्ट भी आपको टाइप कर देना है। मैं यहाँ पर BSNL net टाइप कर लेता हूँ। टाइप करने के बाद यहाँ पर नीचे एक सर्वर का ऑप्शन मिलेगा, आपको सर्वर पर टाइप करना है www.bsnl.net.com, आपको यहाँ पे टाइप कर देना। मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ www.bsnl.net.com पर। यहाँ पर टाइप करने के बाद आपको जो सर्वर रहेगा वो यहाँ पर ठीक हो जाएगा, और यहाँ पर आपको ओके पर आपको क्लिक कर देना। मैं टाइप कर लेता हूँ, ओके क्लिक कर देना है। ओके क्लिक करने के बाद नीचे जाइएगा तो नीचे एक ऑप्शन मिलेगा APN टाइप पर, नहीं है यहाँ पर आपको एथलेटिक टाइप पर जाने के बाद नीचे एक ऑप्शन मिलेगा PH को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद नीचे भी एक ऑप्शन मिलेगा APN प्रोटेक्शन रोमिंग, तो आपको यहाँ पर लास्ट वाला 4 वाला सिलेक्ट कर देना है। क्लिक करने के बाद नीचे एक ऑप्शन मिलेगा बार्बर का, उस पर आपको अनलिस्ट क्या है अनफाइस्ट आपको रहना चाहिए, LTE में आपको नहीं करना चाहिए, जो आपको टिक रहेगा बाय डिफॉल्ट उस पर आपको करना है। करने के बाद यहाँ पर इस सब को आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको यहाँ से आपको बैक आके यहाँ पर मैं देखा कैंसिल कर देना। कैंसिल करने के बाद यहाँ पर जो मैं यहाँ पर नया अभी बनाया हूँ उस पर BSNL 4G आपको सेकेंड नंबर पर मिलेगा, आपको उस पर आपको टाइप करते हैं जो आपको नया APN सेटिंग यहाँ पर बना है। तो यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इसको मोबाइल को आप रिस्टार्ट कीजिए, यहाँ पर अपने फ्लाइट मोड पर डाल के 5 मिनट बाद आपको यहाँ पर खोलना है, तो आपका 100% यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।